तो गाइज सबसे पहले अपने एडमब अकाउंट को ओपन कर लीजिए, जिस अकाउंट को आपने कैंसिल करवाना है। और यहाँ पे आप होम पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे डाउन नंबर 3 नीचे से 3 के ऑप्शन पे आपको सेटिंग्स का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके बटन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने नीचे स्क्रोल करना है और सबसे एंड के ऑप्शन पे होगा अकाउंट स्टेटस, और उसके सामने आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कैंसिल अकाउंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको नंबर 3 वाला ऑप्शन है स्टेप टू कैंसिल योर अकाउंट, तो यहाँ पे नंबर 3 पे सबमिट आ रिक्वेस्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि हमें फिल करना है, और फिल करेंगे तभी जो है वो हमारा अकाउंट कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मैं अली अपना नाम लिख देता हूँ फॉर्म पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ईमेल पिक कर लेता है। देन रीजन यू वांट टू कैंसिल द अकाउंट, तो मेरे पास जो ये करंट अकाउंट है इसके साथ यूट्यूब का अकाउंट भी लिंक्ड है, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब लिंकिंग इशू कर सकता हूँ, आप कोई और भी इशू कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई ओपन्ड माई अकाउंट बाई मिस्टेक, आई डोंट हैव एनी ऐप, तो यहाँ पे यूट्यूब लिंकिंग इशू मैं डाल के इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने पब्लिशर आईडी देनी है, सिंपली उसी पेज पर जाएं जिस पे आपने कैंसिल अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इस पब्लिशर आईडी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। देन वो कह रहा है कि इफ यू हैव एनी सजेशन ऑन कमेंट्स ऑफ द एडमब टीम प्लीज इंटर देम बिलो, तो यहाँ पे मैं जस्ट नो ही टाइप करूंगा। देन आई अंडरस्टैंड दैट बाय क्लोजिंग माय एडमब अकाउंट माय एडसेंस एडमब एडवर्ड अकाउंट विल आल्सो बी क्लोज्ड, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप क्लोज एडमब अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपका एडसेंस और एडवर्ड अकाउंट भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आप जेन में रखिए कि अगर आपने इस एडमब अकाउंट को कैंसिल किया तो आपका एडमब का भी अकाउंट जाएगा और एडसेंस का अकाउंट भी, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, और आप एक बात जेन में रखिए कि अगर आपके अकाउंट पे कैंसिल अकाउंट का कैंसिल जो है वो एडसेंस का कैंसिल का ऑप्शन नहीं आता, तो आप इस वे से जब कैंसिल करेंगे तो आपका जो है वो अर्निंग, सॉरी गाइस, आपकी जो अकाउंट है एडसेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और जो भी उसमें अर्निंग होगी वो मिल जाएगी। अगर आपकी अकाउंट बिलो द $100 है और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है पिन के साथ, तो मैं जस्ट सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे द फॉर्मेट हैज़ बीन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड टू एडमब सपोर्ट, हम जाके अभी जीमेल पे जाके चेक कर लेते हैं कि वाकई हमारा जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं हो चुका, हमें वो एक मेल आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल माई एडसेंस अकाउंट के नाम से ये आपको ईमेल आ गई थी मुझे 2 मिनट पहले, और इसमें मुझे बताया कि उनकी रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे एडसेंस की भी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि योर अकाउंट हैज़ बीन कैंसल, योर गूगल एडसेंस अकाउंट वॉज रिसेंटली कैंसल, यू विल रिसीव योर फाइनल पेमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल इफ़ यू बैलेंस इज ग्रेटर देन $100, एनी पेमेंट लेस देन $10 वॉन्ट बी प्रोसेस्ड, यानी कि अगर किसी भाई का अकाउंट जो कैंसल अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको गूगल एडसेंस में, तो इस वे से आप अपना गूगल एडमोब गूगल एडसेंस अकाउंट भी कैंसिल करवा सकते हैं। मैं जरा आपको दिखा देता हूं एक दफ़ा दोबारा। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैंसिल एडसेंस अकाउंट का जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप अपना अकाउंट कैंसिल करना ही चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली आपको जो मैंने प्रोसेस पीछे बताया एडमोब को कैंसिल करने का, जब आप एडमोब का अकाउंट कैंसिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली साथ में एडसेंस का अकाउंट भी जो वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप अपनी पेमेंट मंगवाने के लिए अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी अमाउंट $100 से बिलो है और आपकी अमाउंट जो है वो $10 से अप है और आपका अकाउंट वेरीफाइड है, तो आपको वो पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन एक बात आपको मैं मद्देनजर बताता चलूं कि जो आपकी एडसेंस अकाउंट का पेमेंट का जो सेटअप है वो 21 से लेकर 25 तक होता है। ये नहीं कि आपने 2 तारीख को अकाउंट को कैंसिल किया और आपको जो है वो 5-3 तारीख को पे मिल जाएगी, ये पे का प्रोसेस जो है वो 21 को ही आपको पे मिलेगी और अपने टाइम पे ही आपको पे मिलेगी। और एक बात और मजीद से रखें कि जब आप एडमोब का अकाउंट कैंसिल करें तो साथ में ऑटोमेटिकली एडसेंस का अकाउंट भी कैंसिल हो जाएगा। होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई इस वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और मजीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोज यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।